जिला फतेहगढ़ साहिब में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहाँ के माता गुजरी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में किसी दीवार पर पार लगे होने की अफवाह फैली। बता दें सरहंद फतेहगढ़ नगर काउंसिल चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम मशीन इस स्थान पर रखी गई है और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरिंदर टिल्लो ने स्ट्रांग रूम के पीछे दीवार तोड़े जाने और उस दीवार को दोबारा बनाए जाने की आशंका जाहिर करते हुए स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाए, जिसके बाद सरहंद फतेहगढ़ साहिब नगर काउंसिल के उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में गुरिंदर सिंह टिल्लो की तरफ से चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भेजी गई। उधर फतेहगढ़ साहिब के एसडीएम संजीव कुमार ने सभी आरोप को निराधार बताते हुए कहा, स्ट्रांग रूम को सरकार की हदायतों के अनुसार तैयार किया जाता है, इसमें अगर कोई खिड़की वगैरह होती तो उसे अभी तक बंद कर दिया जाता। जहाँ तक ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की बात है वे बिल्कुल बेबुनियाद है तथा ये आरोप या अफवाह फैलाई है जिसने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरहंद फतेहगढ़ साहब नगर कौंसल दियां जिहड़ियां ईवीएम मशीनां चोणां वास्ते वरतियां गईयां सी उन्हां नूं स्ट्रांग रूम माता गुजरी सीनियर सैकेंडरी सरकारी स्कूल आ जिहड़ा फतेहगढ़ साहब उत्थे इक कमरे दे विच रख्या गया है। कल शाम दे वेले मैं क्योंकि एक वार्ड का चोण एजेंट भी हाँ उम्मीदवार वालों नियुक्त किया तो मेरे नाल उम्मीदवार भी सी ते दो मेरी पार्टी के होर साथी सीगे असी सारे जने क्योंकि सानू कितें शंका होई सी किसी ने दस्सिया सी असी उत्थे मौका देखण गए असी जाके सुरक्षा कर्मचारी सीगे कल्ले ते सब इंस्पैक्टर आया मौके ते उन्हूं दस्सिया भी सानू जिहड़ियां कमरे नूं लगियां सीलां उह दिखाईयां जाण लेकिन उस सब इंस्पैक्टर ने सानू सीलां नहीं दिखाईयां ते सानू फोटो दिखाती कहिंदा जी आह देखो लगियां होईयां ने। मैं कहा की पता तुसीं कदों दीआं खिच्चियां कदों दीआं नहीं सानू सीलां दिखा दिओ असीं आए उन्हां ने नहीं दिखाईयां। असीं फिर ये बेनती की कि तुसीं आले दुआले घुमा के सानू रूम का जिहड़ा है अगे पिछे जिहड़ा चार चफेरे उह दिखाओ वो सानू पिछले पासे भी लैके गए साइड पर भी लैके गए जो तो पिछले पासे असी गए तो उत्थे देखिया की होया कि ताज़ा पलस्तर होया होया काफ़ी एरिए जो ताज़ा पलस्तर होया सी उहदे बारे उन्होंने पूछया गया वो कोई जवाब नहीं दे सके सुरक्षा कर्मचारी उन्होंने कहा जी हाँ पलस्तर तो होया होया असी फोटो खिंचण दी कीती लेकिन उन्होंने फोटो खिंचण नहीं दिती सानू जिस दे उत्ते असी आ के फटाफट तेजी दे विच एसडीएम साहब नूं मिलण दी कोशिश कीती वो भी दफ्तर ते हाजिर नहीं सी डिप्टी कमिश्नर भी उस वेले क्योंकि ऑफिस टाइम निकल गया सीगा कोई भी सानू मिलिया नहीं लेकिन हुण मैनूं जो पता लग्गिया कि प्रशासन जिहड़ा है वो जानबुझ के कह रहा है कि इत्थे खिड़कियां सी जी असी खिड़कियां बंद कीतियां जदों कि इलैक्शन की तैयारी काफ़ी समा पहला हो जाती है जो बंद कीतियां सी तां उन्होंने पहला बंद किया जाना सी जदों कि कल शाम नूं 15 तरीक नूं शाम दे वेले बिल्कुल ताज़ा किया होया पलस्तर सीगा जी तो यह शंका जाहिर होंदी है भी जरूर इहदे विच कोई ना कोई दाल च काला है। मैं चोण कमिशन नूं भेजिया दित्तिया पत्र उहदे विच शिकायत की है भी गिणती जिहड़ी है रोकी जाए तो गिणती तो पहला इस गल की जाँच की जाए कि उत्थे क्यों इस तरह पलस्तर किया गया क्यों जिहड़ा प्रशासन सी जिहदी जिम्मेवारी सी अफसर दी उन्हें सिक्योर जगह पहला क्यों नहीं लभी तो मौके पर इस तरह पलस्तर क्यों किया गया इस गल की लोगों की तसली कराई जाए ताकि वोटों के किसी तरह का भरम ना रहे। नगर कौंसल सरहंद फतेहगढ़ साहब दियां वोटों संबंधित ईवीएम मशीन जो कि माता गुजरी स्कूल के पईयां हन दे स्ट्रोंग रूम नाल कोई छेड़खानी की गई है दे संबंध के जिस वक्ता ने भी यह दिती है उसने यह ज्ञान की कमी तत्थां की जानकारी ना होने का दी गई है। स्ट्रोंग रूम जो है वह सरकार दी हदायतों अनुसार पहले ही तैयार कर दिता जाता है तो इस दे विच जिहड़े है जेकर जिस रूम के स्ट्रोंग रूम बनाया जाता है उत्थे जेकर कोई कमरे के खिड़की है उसनू इट्टां दे नाल बंद कर दिता जाता है तो यह कहना कि जी उत्थे ईवीएम ते कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं सीगा साडे कोल वीडियो मौजूद है जिथे आप दे शहरी प्रधान सनी चोपड़ा जी मौजूद सन रशपिंदर सिंह मौजूद सन जिन्हां दे मौजूदगी दे विच इह स्ट्रोंग रूम सील किया गया है उसके कारण नगर कौंसल सरहंद फतेहगढ़ साहब के जिहड़े उम्मीद चोणां लड़ रहे उम्मीदवार से उन्हां दे विच एक डर का माहौल बन गया जदों उन्हां दे फोन आए तो पुलिस प्रशासन वालों अते सिविल प्रशासन वालों उन्हां नूं नाल लिजा के रात नूं 9-10 बजे स्ट्रोंग रूम दे द्वारा जिहड़ी हैगी है एक बारी छानबीन दिखाई गई जिदे विच उन्हां सारयां ने अपनी सहमति प्रगट की कि पुलिस प्रशासन ते सिविल प्रशासन वालों अजिहा कुछ भी नहीं किया गया। जिथे तक मैं ये कहाँ कि इस तरह जिहड़ी कार्रवाई की गई है जिस वक्ता वालों उसनू उस दे विरुद्ध लोगों के विच एक डर का माहौल पैदा करन ते पुलिस प्रशासन अते सिविल प्रशासन दूं एक डीफेम करन वास्ते जिहड़ी कोशिश की गई है उस दे विरुद्ध जिहड़ी कार्रवाई करन लई
पुलिस नूं लिखिया जा रहा है ता जो उस दे विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिस भी संबंधित पार्टी नाल वक्ता सीगा मैं उन्हूं भी अपील करांगा कि अजिहे जिहड़े वक्ता ने उन्हां नूं जिहड़ा हैगा अजिहे बयान देण तों जिहड़ा हैगा गुरेज करन वास्ते कीता कृपालता की जाए। तो जेकर वह झूठियां शिकायतां लिखते ने तां उन्हां दे विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। फतेहगढ़ से बहादुर टिवाणा की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिन तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ बारे दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।